स्टार्ट विद द नेम ऑफ अल्लाह हु इज़ द मोस्ट बेनिफिशेंट एंड मर्सीफुल। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास क्लास 3 एसएसटी चैप्टर नंबर 4 ड्रेसिंग अप फॉर फेस्टिवल्स। स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था कायदे आज़म मोहम्मद अली जिना, वो चैप्टर हमारा कम्प्लीट हो चुका है। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 4 ड्रेसिंग अप फॉर फेस्टिवल्स। स्टूडेंट, ड्रेसिंग का मतलब होता है लिबास, फेस्टिवल्स का मतलब होता है त्यौहार। ठीक है, हमारे दो मेजर त्यौहार होते हैं, कौन कौन से होते हैं स्टूडेंट्स? एक होता है ईद उल फितर और एक होता है ईद उल अजहा। ठीक है, टू मेजर ईद होती है ये हमारी, क्या होती है? ईद होती है। कौन कौन सी? एक ईद उल फितर और एक ईद उल अजहा। ठीक है, आज हम इसी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ईद उल फितर, टू मेजर ईद फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड बाय मुस्लिम्स अक्रॉस द वर्ल्ड, ईद उल फितर एंड ईद उल अजहा। मैंने अभी आपको बताया था ना, दो मेजर फेस्टिवल्स होते हैं हमारे, कौन कौन से होते हैं? एक होता है ईद उल फितर, एक होता है ईद उल अजहा, जो कि पूरी दुनिया में लोग सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, जो मुसलमान लोग होते हैं। ठीक है, मुस्लिम फास्ट फॉर द होल मंथ ऑफ रमदान एंड सेलिब्रेटेड ईद उल फितर एट द एंड ऑफ दिस ब्लेस्ड मंथ। स्टूडेंट्स, हम एक सब मुसलमानों को एक मुबारक मंथ दिया जाता है जो कि होता है रमजान। ठीक है, उसमें मुसलमान सब क्या रखते हैं? रोजे रखते हैं। उस रोजों के बाद जो है, उसके बाद अपनी ईद सेलिब्रेट करते हैं, ईद उल फितर। व्हेन द मून ऑफ इस्लामिक मंथ ऑफ शवाल इज साइटेड, ईद उल फितर इज सेलिब्रेटेड द नेक्स्ट डे। स्टूडेंट्स, जब हम रमजान के रोजे रखते हैं, उस के बाद जो है कौन सा मंथ आता है इस्लामिक? शवाल, जिसमें क्या होता है? ईद उल फितर होती है, जो कि हम मून मीन चांद देखकर ईद सेलिब्रेट करते हैं हम। ठीक है, और आपको मैं एक बात बता दूं कि जो रमजान है ना, हम पूरे रोजे रखते हैं, अल्लाह ताला की तरफ से हमें इनाम मिलता है ईद, जो कि हम सेलिब्रेट करते हैं ईद उल फितर। ठीक है, ईद उल फितर जो है इस्लामिक मंथ शवाल को देखकर, शवाल का महीना होता है और चांद को देखकर हम ईद उल फितर सेलिब्रेट करते हैं उसके नेक्स्ट डे पर। ठीक है, इट इज अ जॉयफुल एंड हैप्पी ओकेशन फॉर मुस्लिम्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, स्पेशली चिल्ड्रन। स्टूडेंट सब इंजॉय करते हैं, सब खुश हो रहे होते हैं, वो हमें मौका मिला हुआ होता है, वो हमारा त्योहार होता है कि दूसरे से मिलते हैं, हंसी खुशी मिलते हैं, गले मिलते हैं कि भाई ईद है, नए नए ड्रेस पहनते हैं, जैसे कि आपको पिक्चर्स में नजर भी आ रहा है, स्पेशली छोटे बच्चे चिल्ड्रन, जैसे कि आप भी बच्चे हैं, आप भी तो एंजॉय करते हैं ना इसी तरह। सेलिब्रेट इट बाय वेयरिंग न्यू क्लॉथ एंड शूज, नए कपड़े पहनते हैं, जैसे कि गर्ल्स में देखें आप, पिक्चर में नजर आ रहा है गर्ल्स नए कपड़े पहने हुए, नए शूज खरीदते हैं, बॉय शूज खरीदते हैं, गर्ल्स सैंडल्स खरीदती हैं, बैंगल्स होती हैं, इयररिंग्स होती हैं, क्लिप्स होते हैं, ये सब क्या होता है? मेहंदी लगाते हैं, ये सब हम किस पे खरीदते हैं? अपने ईद पर, त्यौहार पर, खुशी मनाने के लिए ये सब करते हैं हम। ठीक है, यंग गर्ल्स डेकोरेट दियर प्लेम्स विद पैटर्न्स मेड विद हिना हर्बल डाई डेड लीव्स आर ब्राइट ऑरेंज कलर। स्टूडेंट, जो गर्ल्स होती हैं, प्लेम्स इस हथेली, जैसे कि आपको पिक्चर्स में नजर आ रही है, हथेली पे क्या लगाती हैं गर्ल्स? मेहंदी लगाती हैं, जो कि किससे बनी हुई होती है? जड़ी बूटियों से बनी हुई होती है। ठीक है, जब इसको हम वॉश करते हैं ना स्टूडेंट, तो इसमें कौन सा कलर देती है? ये ऑरेंज कलर देती है। ठीक है, अनदर ट्रेडिशन फॉर गर्ल्स इज वेयरिंग बैंगल्स एट ईद। ये हमारा रिवायती है कि हम ईद पे जो है मेहंदी लगाते हैं, गर्ल्स क्या है? बैंगल्स में चूड़ियां पहनती हैं। ठीक है, नेल पॉलिश होती है, बहुत किस्म की, हर किस्म का हर गर्ल्स जो है अपने तौर से मनाते हैं ईद। ठीक है, द डे स्टार्ट्स विद ईद प्रेयर्स एट मॉस्क एंड स्पेशली प्रिपेयर्ड एरियाज कॉल्ड ईदगाह फॉर मुस्लिम्स टू पार्टिसिपेट इन द ईद प्रेयर्स टूगेदर। स्टूडेंट्स, हम सब क्या करते हैं? जो हमारे घर के जो बड़े होते हैं, बहन भाई होते हैं, जो है ईद पर सब कहाँ नमाज पढ़ने जाते हैं? ईदगाह पढ़ने जाते हैं, जैसे कि आपको पिक्चर पर नजर भी आ रहा है। और उसके बाद जब ईदगाह से नमाज पढ़कर आते हैं, तो सब एक दूसरे से मिलते हैं। ठीक है, आफ्टर द प्रेयर पीपल्स ग्रीट ईच बाय सेइंग ईद मुबारक। मैंने भी आपको बताया ना, जब ईदगाह से हम सब निकलते हैं, तो एक दूसरे से क्या मिलते हैं? गले मिलते हैं और कहते हैं ईद मुबारक। ठीक है ना,
The rest of the day is spent with family and friends eating traditional meals together, sweet dishes और desserts. स्टूडेंट जब हम सब मिलते हैं, फैमिली बैठती है तो हम सब खाना पीना करते हैं, स्वीट डिशेस भी होती हैं, सब एक दूसरे के घर पे जाते हैं, दावतें होती हैं, स्पेशल हमारा त्यौहार होता है और हमें ईदी भी मिलती है. ठीक है, आज हमने जो टॉपिक पढ़ा है वो पढ़ा है ईद उल फितर. ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे हम ईद उल अजहा. थैंक्स फॉर वॉचिंग. अल्लाह हाफिज़.